हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास में और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे. अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इमेज मैंने क्या लगाई यहाँ पे एक डेजर्ट की, डेजर्ट के साथ साथ बीच में ओसेस है ना, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे. तो लाइफ इन डेजर्ट. डेजर्ट सिर्फ डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेजर्ट गर्म ही होते हैं, डेजर्ट ठंडे भी होते हैं. डेजर्ट का मतलब ही क्या होता है, बैरन लैंड. क्या होता है बैरन लैंड, यानी कि खाली, कोई नहीं रहता यहाँ पे. अब जरूरी थोड़ी कि सिर्फ जो गर्म रेगिस्तान होते हैं या जो हॉट डेजर्ट होते हैं सिर्फ वहीं लोग नहीं रहते, कोल्ड डेजर्ट में भी तो नहीं रहते क्या? आपने देखा है कि एंटार्क्टिका में, सियाचिन ग्लेशियर में लोग रह रहे हैं? नहीं रहते है ना. ये जगह रहने लायक नहीं है. यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो इतना एक्सट्रीम है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको सरवाइव ही नहीं कर सकता, उसको झेल ही नहीं सकता. तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ये वाले डेजर्ट को ही नहीं, सिर्फ जो दूसरा डेजर्ट है जिसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, उन दोनों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों के फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे है ना, कि कौन कौन से प्लांट्स वहां पर होते हैं, किस तरीके का वेजिटेशन है ना, किस तरीके के जानवर वहां मिलते हैं, लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो क्या कहते हैं जानवर है वो वहां कैसे मिलते हैं है ना, टेम्परेचर कैसा जाता है एंड ऑल, ये सब बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोग पढ़ने वाले. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज. आप सभी बच्चे हम लोगों को टेलीग्राम के इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा. शुरू करते हैं अपना आज का लेसन. अच्छा, इस लेसन में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे हमारे. सबसे पहले हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में पढ़ेंगे. सहारा कहाँ पर है? सहारा अफ्रीका में है. तो जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही डेजर्ट आता है, दैट इज सहारा. तो सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट है ये, ठीक है. इंडिया में भी है छोटा सा पार्ट जो कि राजस्थान में काउंट होता है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब पूरा इलाका पूरा डेजर्ट में आता है. ठीक है, बाकी तो अलावा इसके काफी सारे डेजर्ट हैं, बट जो मेन हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, जिसने पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज को मतलब इसने लिया हुआ है, उसके अंदर आती हैं काफी सारी कंट्रीज. अब उस डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा एंड फौना यानी कि जो जानवर हैं और जो वेजिटेशन है, एनिमल वेजिटेशन वो कैसे हैं, लोग किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, फिर हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट की यानी कि लद्दाख की जो कि इंडिया में है ना, फिर उसके क्लाइमेट की, उसके वेजिटेशन और उसके एनिमल की और लोगों की. तो यही सब मेनली देखा जाता है. चलिए तो शुरू करते हैं. डेजर्ट, तो डेजर्ट इज एन एरिड लैंड विद नो और लिटिल वेजिटेशन, यानी कि ये एक सूखा ड्राई एरिया होता है. ठीक है, एरिड लैंड होता है जहां पर या तो थोड़ा सा वेजिटेशन होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा. अभी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो इमेज हम लोग देख रहे थे उसमें क्या देखा था, हमने ओसिस बना हुआ था, वो सिर्फ लिटिल वेजिटेशन इतना ही होता है. और नो वेजिटेशन मीन्स रेगिस्तान, पूरा रेत के टीले. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप. टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट और कोल्ड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया. हॉट डेजर्ट यानी कि सहारा, थार, कालाहारी, अटाकामा, ये सारे डेजर्ट हैं. कोल्ड में आ जाते हैं सियाचिन आ जाता है, लद्दाख आ जाता है. ठीक है, और कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, कंचनजंगा में, एवरेस्ट में, ये सभी ग्लेशियर्स हैं. ठीक है, और बाकी देखो हम यहाँ सिर्फ अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो हमने यहाँ सिर्फ इंडिया का नाम क्यों लिखा है ना, हम किसी और देश का भी तो लिख सकते थे. अगर किसी और देश में जो ग्लेशियर्स हैं वो आल्प्स में मिलते हैं आपको, स्विट्जरलैंड में है ना, आल्प्स वाले मिलते हैं, अदरवाइज नॉर्थ और साउथ पोल में आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. हॉट डेजर्ट की बात करेंगे सबसे पहले, यानी कि सहारा की. सहारा बोले तो अफ्रीका. ठीक है, सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट है. इसका जो एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ा है. ठीक है, तो सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्री. देखो मैंने बोला था ना, बहुत सारी कंट्रीज में को ये मतलब अपने में लिए हुए हैं, जिसमें से है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा. तो देखो ये इतनी सारी कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ
अफ्रीका में पड़ती हैं। ठीक है, देखो अफ्रीका का नक्शा कैसा होता है, अफ्रीका का नक्शा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ दिखता है ना। अब ये वाला जो इलाका है, इतना ये पूरा इलाका सहारा डेजर्ट से ढका हुआ है। इसमें सारी 11 कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज है ना, ये सब बड़ी बड़ी, मोरक्को यहाँ पड़ता है, इजिप्ट यहाँ पड़ता है ना, चाड यहाँ पड़ता है, ये सब, नाइजर यहाँ, सूडान यहाँ, ट्यूनिशिया यहाँ, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, ये वेस्टर्न सहारा है पूरा, ठीक है, सारी कंट्रीज यहाँ पर पड़ती है। तो ये सारी रेत से ढकी हुई है। फिर अफ्रीका के अगर हम बीच में आते हैं, तो दिस इज द मोस्ट ग्रीनेस्ट एरिया, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि DRC। दिस इज द मोस्ट ग्रीनेस्ट एरिया, मोस्ट वेटेस्ट एरिया, यानी कि यहाँ पर बहुत बारिश होती है, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है, और बहुत ग्रीनरी है, बहुत जंगल है। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ साउथ अफ्रीका, दिस इज साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, समझ रहे हो, तो ये सबसे ठंडा इलाका है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल साउथ हेमिस्फेयर में है ना, सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर से बहुत नीचे, तो बहुत ठंडा है। ठीक है, चलो तो बाप आगे चलते हैं। सहारन डेजर्ट इज कवर्ड विद, देर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन, एलिवेटेड प्लेटू, बेयर रॉकी सर्फेस विच मे बी मोर देन 2500 मीटर हायर सम प्लेसेस। अच्छा, मैंने शायद आपको एक बात बताई हुई, जितना भी अफ्रीका, देखो कितना बड़ा है ये पूरा अफ्रीका, मैं इसकी एक 3D इमेज आपको बना के दिखाती हूँ, माइट भी आपको थोड़ी सी समझ आए। ये मैं हाइट दिखा रही हूँ, ये ऊपर का रीजन है ये वाला, ठीक है, नीचे का रीजन है, हाइट है। तो ये जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये पूरा प्लेटू है, पता है आपको, और इसकी हाइट, ये वाली जो हाइट है ना, ये हर जगह से ये कितनी है, 4000 मीटर ऊंचा है ये पूरा, ये पूरा प्लेटू पर बना हुआ है, प्लेटू कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखो, अभी इसने क्या बोला कि कई प्लेसेस पे 25 मीटर हाई है, यानी कि पूरा प्लेटू है ये, एलिवेटेड प्लेटू कंट्री है, ठीक है, तो अफ्रीकन इज दी प्लेटू कॉन्टिनेंट। ओके, क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, बहुत ही गर्म, बहुत ही ड्राई, एकदम सूखा, कि गला सुखा दे आपका, पानी की प्यास से आप मतलब तड़प उठो ऐसा। शॉर्ट रेनी सीजन, कभी मन किया तो बारिश बादल इधर आ के बरस गए, बस खत्म, इतना ही। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने गर्म दिन होते हैं, मतलब यू विल नॉट इवन एबल टू सर्वाइव हियर। टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री जाता है, ठीक है, और रेडिएट होता है, हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, मतलब यहाँ पर सारा बेयर लैंड है, बेयर लैंड मतलब खाली, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, जानवर नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मतलब ये लैंड से क्या होती है, जितना भी हीट होती है रेडिएट होती है, मतलब ट्रैवल करती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके आसपास की जितनी और चीजें होती है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, 0 डिग्री। ऐसा ही हमारे थार डेजर्ट में होता है, यानी कि राजस्थान में, दिन में गर्मी, रात को 0 डिग्री, 10 से लेके 0 डिग्री तक के बीच में टेम्परेचर होता है, इतनी ठंड हो जाती है रात को, और सुबह उतनी ही ज्यादा गर्मी। अब यहाँ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वेजिटेशन और एनिमल, तो वेजिटेशन में यहाँ पर सभी को पता है कैक्टस मिलता है, डेट पाम्स मिलते हैं, अकाकिया, ठीक है, डेट पाम्स यानी कि खजूर का पेड़, राइट। यहाँ पर ओसिस है कई जगह पर, ओसिस क्या होता है एक ग्रीन आइलैंड होता है विद डेट पाम सराउंडिंग देम, यानी कि एक पानी का इतना सा इलाका होता है, इसके चारों तरफ, यहाँ ये जो बाउंड्री है, यहाँ चारों तरफ खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक है, और ये बीच में सारा पानी है, और इधर सारा रेत 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 रेत, तो इसको क्या कहा जाता है, मतलब ओसिस कहा जाता है, कि पूरे रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा छोटा पार्ट जहां पर पानी पाया जाता है, ठीक है।
कैमल्स, हाइनास, जैकल, फॉक्स, स्कॉर्पियन, मैनी वैरायटी ऑफ स्नेक्स बहुत मिलते हैं, और डेजर्ट्स में लिजर्ड मिलती है। ये सब प्रोमिनेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, जो यहाँ सरवाइव कर सकती है। मतलब इतना सीवियर टेम्परेचर होता है, दोनों ही टेम्परेचर में ये दो ये सभी एनिमल्स बहुत अच्छे से रहते हैं। और आपको क्या लगता है, सारे एनिमल्स सब ऊपर रहते हैं, सब नीचे रहते हैं? सिर्फ ये हाइना, जैकल और कैमल को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के फॉक्सेस, स्कॉर्पियन ये और स्नेक्स, लिजर्ड, ये जो वो होता है, मान लीजिए ये रेत का टीला है, ठीक है, यहाँ पर रेत बना हुआ है, इस रेत के नीचे ये इसको खोदेंगे, यहाँ खोदने के बाद यहाँ पर एक घर बनाएंगे, ऐसे इनका बरो बनी होती है, एक क्या बोलते हैं उसको, बरो ही बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है। तो यहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं, मतलब यहाँ ठंडा रहता है, धूप यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। तो देखो ये इस तरीके का वेजिटेशन है, इतने बड़े बड़े कैक्टस के प्लांट हैं, कुछ ऐसा ही सूखा सूखा कांटेदार वेजिटेशन होता है यहाँ पे। कांटेदार क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन रेट ज्यादा नहीं ज्यादा होता है यहाँ पर। जब कांटे लगे होते हैं किसी पौधे में या किसी पेड़ में, तो जो इवेपोरेशन होता है, जो पत्तियों का पानी होता है, वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए इसमें कांटे लगे होते हैं। मतलब देखो जो प्लांट्स भी बने हैं वो भी मतलब कितने नेचुरली कितने बढ़िया बने हुए हैं, कि पानी भी यहाँ से ना निकल पाए, भगवान ने ऐसी चीजें बनाई है ना। अब यहाँ लोग किस तरीके से रहते हैं? लोग यहाँ पर वो नहीं रहते जो परमानेंट रहते हैं, कि भाई चलो मस्त बंगला बना के रहते हैं, वो लोग नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें बेडुइंस होता है, ट्यूरेक्स आते हैं, ठीक है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट और ट्राइब्स हैं जो यहाँ हमेशा रहते हैं। ये लाइफ स्टॉक रियर करते हैं, ठीक है, जैसे गोट है, शिप है, कैमल है, शिप नहीं, शीप है, कैमल है, हॉर्सेस हैं, ठीक है, फॉर मिल्क, हेयर एंड लेदर। तो ये इनको बेचते हैं, खरीदते हैं, इनको खाते हैं, ठीक है, और भी कई चीजें इनके यूज करते हैं। तो ये इनका पूरा प्रॉपर जो लाइवलीहुड है वो इन्हीं से होता है, ठीक है, तो इन्हीं से पैसे कमाते हैं, इन्हीं को लेकर ये यहाँ से वहां एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ओसिस इन दी सहारा एंड द नाइल वैली इन द इजिप्ट सपोर्ट द सेटल पॉपुलेशन। सिर्फ इजिप्ट में ही नाइल वैली है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन सेटल्ड है, अदरवाइज सहारा में रहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सहारा में अगर कहीं ओसिस मिल जाए तो उसके आसपास जो सेटलमेंट है वो बनी हुई, यानी कि लोग वहां पर रहते हैं, अदरवाइज जो नाइल वैली है, जहां तक ये रिवर जा रही है, काफी लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है यार, काफी लंबी नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर है ये, है ना। तो ये रिवर क्या बोलते हैं, इसके आसपास जितने भी मतलब इसके आसपास सेटलमेंट्स हो रखी है, ठीक है। सिंस वाटर इज अवेलेबल, पीपल ग्रो डेट पाम्स, जब पानी होता है तो लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं यहाँ पर। क्रॉप सच एज जैसे चावल है, वीट है, बार्ले है, बीन्स है, ये सभी यहाँ पर उगाया जाता है। इजिप्शियन कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन इजिप्ट विच इज फेमस वर्ल्ड वाइड। तो बहुत अच्छा फाइन कॉटन होता है, जो कि बहुत गर्मी को बियर करने में हेल्प करता है ना, बहुत लाइट एंड फाइन मसलिन क्लोथ जिसको कहा जाता है, तो वो यहाँ पर उगाते हैं। देखो ये ओसेज है, मैंने वापस से इमेज यहाँ लगाई है, सी ये ओसेज है, इसके आसपास कुछ इलाके लोग हैं जो यहाँ घर बना के रहते हैं, ठीक है। ये जो पानी यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन पानी होता है, गंदा पानी नहीं होता, इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सभी चीजें मिल रही है, वेजिटेशन हो गया, ठीक है, जानवर पता चल गए। यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है ना। ऑयल इज ऑल्सो डिस्कवर्ड इन अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट विच इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। मतलब डेजर्ट को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूज मिल गया है ना, यहाँ पर रिसोर्स मिल गए हैं, तो अब उसको बढ़िया किया जाएगा। जैसे दुबई बहुत बढ़िया हो गया है ना, दुबई को देखा है ना, मतलब इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इतने अमीर लोग वहां पर रहते हैं, इवन हम तो वहां सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, राइट। इतनी महंगी महंगी कार्स, इतना महंगा लाइफ स्टाइल है, इट इज टू मच, मतलब हाई। नाउ डे सारा डेजर्ट इज डेवलपिंग, सारा डेजर्ट अब डेवलप हो रहा है, देखते हैं कैसे। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, टॉल बिल्डिंग्स बनी हुई है, जैसे दुबई में बनी हुई थी है ना, सुपर हाईवेज बने हुए हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है एंशियंट कैमल पाथ्स को, कि लोग अभी भी यहाँ पर ऊंट पे चलते हैं, ऊंट पे ट्रैवल करते हैं, लेकिन अब सबके पास कार्स आ गई हैं महंगी महंगी, तो वो हाईवे यूज करेंगे, बेचारे ऊंटों को क्यों परेशान किया जाए। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द सॉल्ट ट्रेड, अब ट्रक्स आ गए हैं, कैमल्स को नहीं ले जाया जाता, ठीक है। ट्यूरिग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट, अब जो ट्यूरिग्स हैं, जो कि ट्राइब है ऑलरेडी, ये क्या करते हैं, टूरिस्ट को हैंडल करते हैं, इनको गाइड करते हैं और फीस लेते हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक जो हर्ड्समैन है आर फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। अभी जो वो हुआ करते थे, नोमैड्स हुआ करते थे, जो बहुत सारे जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका ट्रेड किया करते थे, अब वो क्या करते हैं, वो जॉब करने लगे हैं, उनको ऑयल और गैस ऑपरेशन में जॉब मिल गई है, तो ये बहुत अच्छा है ना। अब हम बात करते हैं कोल डेजर्ट।
कोल्ड यानी कि ठंडे, लद्दाख की बात करते हैं अपना। ओके, तो लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालय में पड़ता है, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर मैं यहां पर इमेज बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह की इमेज बनेगी, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड यानी कि ये वाला हिस्सा, ये पूरा ये लद्दाख है, ठीक है भाई। ओके, तो काफी ऊंचा है, काफी बड़ा है ना। तो ये ईस्ट साइड में पड़ रहा है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ। और ये जो ये वाला इतना पूरा इलाका है, ये क्या है, ये जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। ये वेस्ट में है और ये ईस्ट में है, दोनों ही टेरिटरी अपनी है, ठीक है, कोई किसी का नहीं है। कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन इन द साउथ। तो कराकोरम रेंज ये पड़ती है, जरा मैं कलर चेंज कर लूँ, बहुत अच्छे से दिखा पाऊंगी। फिर अपन लेते हैं, ब्राउन नहीं मिल रहा है, चलो लेते हैं। तो दिस इज कराकोरम रेंज, दिस इज जास्कर रेंज, ठीक है। मैं लिख दू कराकोरम रेंज, ये जास्कर रेंज, जास्कर रिवर भी है इसी के पड़ोस में, यहाँ से बहती है, ठीक है। अच्छा, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसे कहते हैं इंडस। कैसे बहती है, चलो रिवर भी दिखाते हैं आपको। पेन नहीं आ पा रहा हमारा, ये नीला पानी। तो रिवर बहती है यहां से, दिखी नीली नीली रिवर है ना, इसलिए प्रॉपर कलर्स ले रही हूँ ताकि आपको पहाड़ वगैरह सब समझ आए, नदी समझ आए। ये कौन सी नदी है भाई, इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी आप इसको कह सकते हो हिंदी में कहा जाए तो, ठीक है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल जैसे गांगरी ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन। गांगरी ग्लेशियर नहीं मिलता, सियाचिन इस साइड में मिलता है, ठीक है। चलो तो फिर आगे चलते हैं। क्लाइमेट यहाँ पर भैया बहुत ठंडा है, जो हमने डेजर्ट हॉट वाले में पढ़ा उसके ऑपोजिट ये है पूरा। कोल्ड डेजर्ट कब कहाँ होते हैं, कोल्ड डेजर्ट होते हैं जहां पर मोर देन 6000 मीटर की हाइट पर होते हैं, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक, तो बहुत ही ऊंचा है भाई। 3000 मीटर कहाँ है, कारगिल में, और 8000 मीटर कहाँ है, कराकोरम में। तो हाई ऑल्टीट्यूड मेक्स द क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, अगेन ड्राई, पर यहाँ पर आपका गला नहीं सूखेगा, यहाँ पे आपकी नाक बंद हो जाएगी। कोल्ड यानी कि इतना ठंडा कि जम सकते हैं। डे टेम्परेचर इन समर सिर्फ 0 डिग्री से थोड़ा ही ऊपर होता है, मतलब इतनी ठंड है। नाइट टेम्परेचर -30, मतलब ऑपोजिट अगेन, ओ गॉड बहुत ठंड है। तो देयर इज अ लिटिल रेनफॉल, अगेन रेनफॉल बहुत कम होता है, 10 सेंटीमीटर में होता है, पर यहाँ रेनफॉल नहीं होता, यहाँ स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया कहाँ पर पड़ता है, रेन शेडो ऑफ द हिमालय, रेन शेडो ऑफ हिमालय मतलब हिमालय के थोड़ा सा उस पार पड़ता है। जैसे कि मैं वापस से जाती हूँ इस वाली इमेज पे, देखो हिमालय अपना पड़ा, ये पूरा हिमालय पड़ता है ये वाला, ठीक है, ये गया, ठीक है, हिमालय है। तो रुक जाओ, कलर चेंज कर दो भाई। ओके ओके, कहाँ गया ये रहा, तो ये हिमालय पड़ा, ठीक है। तो ये वाला एरिया देख रहे हो, अब यहां से बारिश आएगी, यहां से टकरा के चली जाएगी, तो इस इलाके में बारिश ही नहीं होती, समझ रहे हो, कम बारिश होती है। तो यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता, कुछ खास नहीं है, राइट। आगे चलते हैं, ये देखो, ये इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेशियर डेजर्ट, स्नो डेजर्ट, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। देखो कितनी ऊंचाई तक बर्फ जमी हुई है ना, ये देखो, ये पानी ठंडा ठंडा हो, जिसको देख के ठंड लग रही है ऑलरेडी। खैर अभी चलते हैं। तो द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड, बहुत ही चिलचिलाती ठंडी हवाएं चलती हैं, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। तो मतलब यहाँ पर सुबह, मतलब दोपहर में बहुत तेज धूप निकलती है और बहुत ठंडी हवा चलती है। यहाँ पर वेजिटेशन और जो एनिमल है वो कौन से मिलते हैं, ड्यू टू हाई एरिडिटी, यानी कि वेजिटेशन स्पार्स है, स्पार्स है यानी कि कम है, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड है यानी कि जगह जगह है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहां, फिर यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। देर आर थिन पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू ग्रेस। तो बहुत छोटी सी ग्रास उगती है, जब तक घास उगती है, फिर बारिश, फिर वो पड़ने लग जाती है, बर्फ पड़ने लग जाती है, ठंड हो जाती है, तो वो फिर सूख जाती है। ड्यूरिंग समर फ्रूट ट्री यहाँ पर है एप्पल के, एप्रिकॉट के, वॉलनट्स के, वाओ।
रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हूप आदि कॉमन स्पीशीज ऑफ बर्ड, यहाँ पर बर्ड मिलते हैं, एनिमल्स नहीं। एनिमल अगर आपको यहाँ पर मिलेगा, कौन सा मिलेगा? याक, ठीक है, देखते हैं कौन सा। और वाइल्ड गोट्स मिलती है ना, वाइल्ड शीप मिलती है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स मिलते हैं। तो वाइल्ड गोट मिलती है, देखो ये कितने मस्त मजे में बर्फ में आराम फरमा रही है, हम तो मतलब बैठ ही नहीं सकते, राइट। शीप मिलते हैं, याक मिलते हैं, डॉग्स मिलते हैं। एनिमल आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। हाइड्स मतलब स्किन के लिए, कि जब इनकी डेथ हो जाती है या इनको इंटेंशनली मार दिया जाता है, तो जो इनकी स्किन है उसको यूज करते हैं फॉर दी कपड़े, फॉर दी जैकेट्स एंड ऑल, ताकि ठंड नहीं लगे, ठीक है। देखो भगवान ने जानवरों की स्किन ही इस तरीके से बनाई है कि उनको ठंडी नहीं लग सकती, तभी तो शायद हम इनकी स्किन को पहनते हैं, इनकी स्किन का यूज करते हैं, है ना। अब लोग यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं, समर सीजन में जो लोग हैं कल्टीवेट करते हैं क्या, बारले, पोटेटो, पी, बीन, टर्निप, ये सब, ठीक है। विंटर मंथ में बहुत ठंडी हो जाती है, तो लोग अपने आप को एंगेज रखते हैं फेस्टिविटीज और सेरेमनीज में, यानी कि शादियां वादी होती है, मस्त जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। विमेन यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ हाउस फील्ड में काम नहीं करती, बल्कि वो मैनेज करती हैं पूरा मॉल बिजनेस एंड शॉप। तो आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाकों में जो फीमेल्स होती हैं वो सीरियसली बहुत ज्यादा काम करती हैं, ठीक है। एक तो पहाड़ी इलाका होता है, वो घर भी देखते हैं, खेत भी देखते हैं, फिर उनके शॉप्स चल रही होती है, मॉल्स चल रहे होते हैं, होटेल्स चल रहे होते हैं, तो सब चीजें देखते हैं। तो ऑल पीपल आर रियली हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये मैंने लिटरली देखा है। ले जो है कैपिटल है किसका, लद्दाख का, और जो कि वेल कनेक्टेड है एयर और रोड दोनों से, आप रोड से भी लद्दाख में जा सकते हैं और बाय एयर भी जा सकते हैं। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली थ्रू दी जोजीला पास। तो पास क्या होता है कि एक बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से कोई रास्ता निकल रहा होता है, नेचुरली निकल रहा होता है, बट हम उसे थोड़ा सा डेवलप कर देते हैं ताकि प्रॉपर निकल सके, तो उसको पास कहा जाता है, ठीक है। टूरिज्म यहाँ की मेजर एक्टिविटी है, और सेवरल टूरिज्म टूरिस्ट जो होते हैं स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम द इंडिया एंड अब्रॉड, तो वहाँ मतलब बाहर से भी आते हैं और इंडिया के लोग भी काफी जाते हैं। तो लद्दाख जो है बहुत ही फेमस जगह है, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जो हमने कहीं नहीं देखी, यहाँ पे एक मैग्नेटिक रोड है, ठीक है, वहां गाड़ियां रुक जाती है, आपको ना चलाना पड़ता है उसको, तो मतलब बहुत अच्छी और अलग चीजें हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर सुंदर लेक्स हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सुंदर पहाड़ हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम इस लेसन को खत्म करते हैं, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ा के, होपफुली आप सभी को भी आया होगा। कोई भी डाउट अगर हम सभी को आता है तो हम सभी ग्रुप पर पूछ सकते हैं, और आपको इस चैनल को फॉलो करना है जो कि टेलीग्राम पर है, इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, डाउनलोड करना होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाय बाय।